अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमज़ा और मैं आपको वेलकम करता हूँ SEO सागा 2.0 के कीवर्ड सेगमेंट में, जिसका ये लेक्चर नंबर 7 है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि गूगल ट्रेंड क्या चीज़ है और आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने मतलब एज ए SEO एक्सपर्ट या SEO में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गूगल ट्रेंड क्या है। गूगल ट्रेंड बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करके किसी भी टॉपिक का ट्रेंड देख सकते हैं, या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये SEO में किस तरह काम आता है? बेसिकली ये SEO में काम आता है किसी भी टॉपिक का ट्रेंड देखने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने किसी टॉपिक पर हमारा आर्टिकल लिखना है तो आप उसका ट्रेंड देख सकते हैं, जैसे कि उसका ट्रेंड बढ़ेगा या कम होगा ये आप देख सकते हैं, या उसका मतलब पिछले एक साल का ट्रेंड देख सकते हैं। कि ये ना हो कि आप उस कीवर्ड पे जैसे जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड जाएं, ये ना हो कि आप किसी ऐसे कीवर्ड को फाइंड करें जिसका ट्रेंड कम हो रहा है और आप समझे कि ये नया कीवर्ड आया है तो उस पर आपको कोई सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा क्योंकि वो कम हो रहा है ट्रेंड, वो कीवर्ड ख़त्म होता जा रहा है। तो आपने ये भी चीज़ साथ साथ देखनी होती है। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं डायरेक्टली गूगल कीवर्ड प्लानर पे, सॉरी गूगल ट्रेंड पे। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, गूगल ट्रेंड लिख सर्च करना है, गूगल ट्रेंड सर्च करना है। जब ये आ जाए तो ये यहाँ पर आपने ये trend.google.com पे चले जाना है। अब ये ओपन होगा तो इसमें आपको हर एक मतलब कंट्री के वाइज ट्रेंड्स मिलेंगे, हर यानी कि किस कंट्री में आज के दिन कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डेली ट्रेंड्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि ये देखें ये ट्रेंड्स हैं फिलहाल, ये सब आपको नीचे मिल जाएगा। रीजन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड, वर्ल्ड कप का चल रहा है, फुटबॉल का चल रहा है, ठीक है, टाइलर स्विफ्ट है, ये हर एक चीज़ के हिसाब से है। ये नीचे आ जाए तो लेटेस्ट स्टोरीज एंड इनसाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखें ये रिसेंटली ग्लोबल ट्रेंड है, हर मुल्क का ये साथ आपको पता चलेगा। नॉर्वे में आज के दिन इस ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, टॉबियस फॉस, ठीक है, इसमें ये है, सिंगापुर में ये है, ये इंडोनेशिया में देख लें, पोलैंड में देख लें, चिली में देख लें, पुर्तगाल में देख लें, फातिमा लोपेज, ये सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये ईयर वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस साल में कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग रही है, वो आप चीज़ इसमें से देख सकते हैं। अब आपने देखना है कि जो आपके कीवर्ड, आप इसमें से कीवर्ड भी फाइंड कर सकते हैं ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, और आप कीवर्ड का ट्रेंड भी देख सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है SEO। जब यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है, अब ये देखें ऊपर से इसमें मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ क्योंकि ये भी स्पेनिश में शो हो रहा, तो SEO सर्च किया। अब ये इसका मुझे ट्रेंड बताएगा पिछले 12 मंथ यानी एक साल का, ये मुझे ट्रेंड बताएगा। ये कह रहा है कि भाई ये ट्रेंडिंग है, ये जो है ये नीचे आया ही नहीं है पिछले एक साल में, ये टॉपिक ट्रेंडिंग ही रहा है, बैलेंस में रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, 70-80% इसका ट्रेंड है। अब ये नीचे आ जाएंगे तो आपको ये मतलब सूबा वाइज बताएगा, हमारे जो रीजन्स हैं ना उसके वाइज बताएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आपने इंडिया सेलेक्ट कर लेना पाकिस्तान की जगह, यहाँ पर तो आपको इंडिया का रिलेटेड ट्रेंड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये बता रहा है कि पंजाब में इसका 100% ट्रेंड पंजाब में है, 86% सिंध में है, गिलगित बल्तिस्तान में 70% है, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर और उसके साथ सारे ट्रेंड आ गए। अब ये रिलेटेड टॉपिक भी हमें बता रहा है कि ये रिलेटेड टॉपिक आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको नहीं ऐड करना। ठीक है, अब यहाँ से आपने नीचे आना है रिलेटेड क्वायरीज़ में, इसको आपने यहाँ से करना है क्लिक। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको थोड़े से और मज़ीद टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये देखें साइट SEO साइट चेकअप, ये आज़ाद SEO, योस्ट SEO, ये सारे साथ साथ आपको टॉपिक, यूट्यूब SEO ये भी ट्रेंडिंग है, ये कह रहा है इसका भी ब्रेकडाउन। ऑफ बेसिकली ये जो है ना ये टूल, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उसके लिए ट्रेंड चेक करने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक और कीवर्ड आपको सर्च करके बता देता हूँ, जैसे SEO कोर्स है। अब इसका मैं ट्रेंड देखता हूँ कि पिछले एक साल का इस कीवर्ड का ट्रेंड पाकिस्तान में क्या चल रहा है गूगल पे। ठीक है, अब ये लोड होगा और ये मुझे बता देगा कि इसका ट्रेंड बेसिकली चल क्या रहा है। हाँ, तो ये देखें ये मुझे मंथ वाइज बताता है, ये बता रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा हाई ट्रेंड गया है, ठीक है, जनवरी से लेकर फरवरी 2022 में SEO कोर्स का, ये 99 पे गया था। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड मंथ वाइज बता रहा है कि ये किस किस मंथ में कम हुआ, मई में ये कम हुआ था ट्रेंड, ठीक है, मार्च में एक दफ़ा कम हुआ है, एक दफ़ा दिसंबर में है, यानी कि ये एवरेज कीवर्ड है। इसको आप समझ लेंगे इसका ना ट्रेंड बहुत हाई ट्रेंड है, हाई ट्रेंड वाला कीवर्ड है, ना ये लो ट्रेंड वाला कीवर्ड है। ये साथ वाले रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे डिजी स्किल्स, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक्स, ये भी उसके रिलेटेड ही हैं, इसको भी आप मज़ीद जस्टिफाई कर सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो टूल्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, आप जिस कंट्री में भी करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करता हूँ,
ठीक है। तो मैं इंडिया को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंडिया का भी आज शो हो जाएगा कि इंडिया में इसका क्या सर्च वॉल्यूम है या ट्रेंड है। ये देखिए इंडिया का शो हो रहा है, यहाँ पर लिखा पाकिस्तान आ रहा है लेकिन ये है रिजल्ट इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान का और इंडिया का रिजल्ट आपने फ़र्क देख लें, ये थोड़ा सा ग्लिच है। पाकिस्तान का भी आपने देखा है और इंडिया का भी ये देख लें, इंडिया का ठीक है। अभी ये देखिए सब रीजन में दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, राजस्थानी आ गया, जो भी है ये सारे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली, फुल फॉर्म, SEO, लिंक्डइन, गूगल सर्च कंसोल, ये हो गया। उसके बाद ये पास्ट 12 मंथ, यहाँ पर आपने क्लिक करके ट्रेंड देखना होता है कि कौन सा कितना ट्रेंड है, ठीक है, यानी कि आपने कितना ट्रेंड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सिर्फ कहता हूँ कि मुझे सिर्फ लास्ट मंथ का ट्रेंड पता चले कि इस कीवर्ड पे लास्ट मंथ में इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है। अब ये मुझे इसका ट्रेंड पता चल जाएगा कि ठीक है ट्रेंड मीडियम है। कैटेगरीज में आपने क्लिक करना, अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जैसे लास्ट में अब मैं चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जो ट्रेंड है वो मुझे बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल के रिलेटेड ही पता चले, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करना तो ये बताएगा कि बिजनेस में और इंडस्ट्री में इस कीवर्ड के रिलेटेड क्या ट्रेंड है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में इसका। अब ये वेब सर्चिज हो गया, इमेजेस, वो आप अलग देख सकते हैं। यूट्यूब सर्च का भी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब सर्च में इसका क्या ट्रेंड चल रहा है SEO कोर्स का, ठीक है। ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ऑल कैटेगरी यूट्यूब सर्च का भी ट्रेंड पता चल जाएगा कि यूट्यूब में इसका क्या सर्च ट्रेंड है, ये सारा। तो गूगल ट्रेंड इस चीज़ में के लिए काम आता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।